दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और हम रेडी हो गए हैं मार्केट के लिए। यहां पे प्रीसु भी रोने लग गई है, ये देखिए यहां पे रो रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि मौसम फिर से ख़राब हो गया है। दो दिन जम के बर्फबारी होने के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया था और पता नहीं दो दिन बाद फिर से मौसम वैसा का वैसा हो गया है। और अगर बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हुई तो फिर से बर्फबारी हो सकती है। और ये देख सकते हैं आप मौसम किस तरह से हो रखा है बिल्कुल। और ये ऊपर ऊपर तो इस ये देखो ऊपर बिल्कुल टॉप में तो बर्फ अभी पड़ी रही है और हमारे धौलाधार में भी बर्फ पड़ी रही है। बहुत ठंडी हो गई है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मार्केट के लिए और उससे पहले हमें कुछ काम करना है। तो अभी बहुत पुराने दिनों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो हम उस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था। तो वहीं जा रहे हैं तो फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ कहाँ पे हमने अपना पहला ब्लॉग शूट किया था, कहाँ से हमने अपनी पहली वीडियो बनाई थी। तो वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है क्योंकि वहाँ पर मैंने पहला फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था। तो चलिए आप भी देखें वो कौन सी जगह है जहाँ पे हमने पहला वीडियो बनाया था। तो दोस्तों आज हम जागसेना से इस तरफ के लिए जा रहे हैं, आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि आज मुझे वहाँ से काम है, उस रास्ते काम है क्योंकि वहाँ पे किसी को फिर से इंजेक्शन देना है। तो वहीं से हम अपना पुराने दिनों को भी याद कर लेंगे जब बहुत पहले आप सभी को पता है कि हम कितनी मेहनत करते थे अपने खेतों में। तो आज फिर से उनकी याद आ रही है और वहीं पे हमने अपना पहला ब्लॉग शूट किया था। तो चलिए उस जगह को भी फिर से आपको दिखाते हैं और बहुत बहुत अच्छी जगह है और मुझे बहुत अच्छी लगती है और साथ में अपना काम भी हो जाएगा। चला भाई चला ठीक। अच्छा धन्यवाद साहब, रोटो पानी चाह पहली बस जरा मोर तू काशी को पाई जैसा ना तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं हड़तोली। तो इस वाली सारी को जो सारी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे खेत एक ही बार में किए जाते हैं या एक ही फसल एक ही जगह पे बोई जाती है बहुत सारे खेतों में तो उसे सारी बोलते हैं। तो ये है हमारी हड़तोली की सारी। तो यहाँ इस जगह पे हमने अपना पहला ब्लॉग बनाया था क्योंकि उस टाइम 6 महीने पहले की बात है जब मंडोए में मुहैया लगा रहे थे, आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी। तो यहीं हमने वो शूट किया था और यहाँ पे ये घर है जो दिख रहा है, ये मेरी सासू माँ की छोटी बहन का घर है। तो इन पे इंजेक्शन देना है और अपना जो खेत है उसको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमने वीडियो शूट किया था। तो दोस्तों यहाँ आके सबसे पहले मेरा मन कर रहा है रील्स बनाने का क्योंकि मैं बहुत पहले से इंस्टा नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता था उस बारे में, लेकिन कुछ दिन पहले से ही मैंने उस पर रील्स बनानी शुरू की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ की सुंदरता को देख के मुझे लगता है कि एक रील तो बनती है और रील का नाम सुनते ही राणा जी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बोलते हैं उसमें टाइम वेस्ट होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। पर जो भी हो फिलहाल मुझे एक रील तो बनानी है, पहले फटाफट से अपना काम निपटा देते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम बचेगा उसमें फ़ोटोशूट होगा, रील्स बनेंगे, थोड़ा वीडियो भी होगा। तो अभी हम अपने खेत में पहुंचने वाले हैं, आपको भी दिखाऊं वीडियो में। तो दोस्तों सामने ये खूबसूरत सा घर जो आपको दिख रहा है, इस घर में जाना है हमें ट्रीटमेंट देने। तो फिलहाल हम अपना काम करते हैं फटाफट से। चलो ना, अरे वाह वाह, अरे
अरे कुकुर के नजारा छ कोन चल चल अंदर आ जा हां ना ना चाहिए ना। ये भरा जा रहा है इंजेक्शन। केवल नहीं रुकियो नहीं ये टाइप हो गया प्लान चाहिए खाली ऑनलाइन था तो अभी मैं उस वाले खेत में जा रही हूँ जहाँ पे हमने पहला ब्लॉग शूट किया था। तो ये है हमारा वो वाला खेत जिसमें हमने अपनी पहली वीडियो बनाई है। तो ये पूरा खेत हमारा है। तो इसमें हमने मैं लगाया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे शुरुआत में पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो कैसी बनानी है। तो अब इसमें धान बोएंगे, पहले इसमें गोबर डालेंगे। अभी तो डाल रखा है इसमें गोबर। आज के दिन पे हम बाजार जा रहे हैं और उस दिन हम यहाँ पे मोया लगा रहे थे पसीना भरा काम। हाँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखे हमारा फर्स्ट ब्लॉग। खैर कल के उसमें पोस्ट कर लूंगा उसके आगे। तो ये यहाँ पे इतनी थोड़ी गोबर की रखी हुई है और बहुत सारी, बहुत बड़ा खेत है ये। तो फिलहाल एक फोटो लेते हैं ना। अरे यार मैंने रील्स नहीं बनाए। तो दोस्तों इंस्टा पे मेरी आईडी भी है और मुझे अपने आईडी याद नहीं है इंस्टा पे क्या है आपको पता है? उत्तराखंडी पहाड़न से ही है मेरी इंस्टा वाली आईडी भी। तो वहाँ जाके जरूर मेरी वीडियो चेक करना। बुरांस खिल गए, बुरांस खिल गए, वो देखो सामने। वाओ सच भी दोस्तों खिल गए हैं बुरांस खिल गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे बुरांस खिले हुए हैं। यहाँ से फाफन बहुत अच्छा लग रहा। क्यों धक्का दे रहे हो मुझे? मैं यहाँ से नीचे गिराने के चक्कर में था। फाफन का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा ऊपर धार वाली जगह है और फाफन गांव थोड़ा नीचे हो गया है। तो अपने फाफन गांव की एक खूबी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी भी जो लोगों के पुराने घर हैं, पठाली वाले जो मकान हैं, उन्होंने वैसे ही रखे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं वो वाले घर। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत दूर है लेकिन आपको पठाली वाले मकान इसमें ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, ज्यादा पठाली वाले हैं और ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। तो लोगों ने नए घर भी बनाए हैं लेकिन पुराने वाले घर को वैसे ही रखा है। और बुरांस को ये देखिए, परसों हमने कल ही बताई थी और आज यहाँ बुरांस ही बता देते हैं आपको। ये अभी कली पे है और यहाँ ऊपर है बुरांस।